और अनिकेत के साथ ग्रैंड विटारा विद अनिकेत, क्या बात है। एलॉय खुले हुए विटारा, वहाँ हम लोगों का प्यार हमारे साथ है। बाकी बात करते हैं इसमें जो भाई पूरा पूरा गाड़ी रेडी कराते हैं, 70% नेक्सा केस ठीक है, सिग्मा वेरिएंट में नॉर्मल डेल्टा वेरिएंट, चार पांच गिना हुआ काम रहता है उसमें, हम एमआरपी लगा ठीक है ठीक है। ओके अलॉय चेंजेस है इसके अंदर, मेरे को लग रहा है इसमें पेंट भी है, बाजू उसको कर रहे हैं, इसमें भी है उसमें भी रहने वाला है। अच्छा एलईडी चेंजेस है इसके अंदर, इसके अंदर आपको 360 नहीं है, इसके अंदर 360 नहीं है, सिग्नेचर रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, इसके अंदर ठीक है, डोर वाइजर रहेगा नेक्सा का, डोर गार्निश साइड फिटिंग ठीक है, कलर डैम्पिंग समझ गए होंगे कौन सा प्रीमियम सीरीज आपका रहने वाला है, क्लैडर का ठीक है, और देख सकते हो ये अपना प्रॉपर आरडी का रहता है रिले, अपना प्रॉपर ये देख सकते हो, और इसमें जो आपका डीडी का कंपोनेंट, जेबीएल का कंपोनेंट रहेगा, पीछे स्टॉक स्पीकर ही रहेंगे ठीक है। क्रोकोडाइल फ्लोरिंग कर दिया इसके अंदर हमने, ओके डी कट स्टीयरिंग चेंज कर दिया है ब्रीजा वाली, ये भी चेंज हो रहे हैं क्या? हाँ ये भी चेंज हो रहे हैं बेस मॉडल का ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं ना ऐसे लगे रहेंगे, इसको चेंज करके एज इट इज हम लगा देते हैं ठीक है। एम्बियंस लाइट रहेगी, पूरा इंटीरियर इसके चेंजिंग रहने वाला है ठीक है, पूरा देख सकते हो डी कट स्टीयरिंग है, आगे पीछे चार्जर भी चेंजिंग है अपना ठीक है ठीक है, और रॉ गाड़ी है पूरा लगभग काम रहने वाला है इसके अंदर, रूफ रेल नहीं लगवा रहे भैया। अच्छा बाकी क्रोम आइटम छोटा मोटा क्रोम आइटम ही है, वाइजर वगैरह भी आपका रहने वाला है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, और रॉ गाड़ी है पूरा काम है इसके अंदर, जैसे ही रेडी होता है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। तो भाई ये जो गाड़ी आई है ये भी रेडी हो चुकी है ठीक है, सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में बात करें तो इसमें जो हमने ये तो रिप्लेसमेंट पार्ट लगा दिया है, उसके अलावा ये 220 वॉट का एलईडी लगा है ठीक है, अल्ट्रा ऑडियो का, लुकिंग वगैरह कुछ इस टाइप की आने वाली है गाड़ी के, ये आप देख सकते हो ठीक है, और उसके अलावा आउटपुट आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। इसके अलावा इधर आते हैं तो ये देख सकते हो अलॉय वगैरह यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर दिया गया है ठीक है जी। साइड में आते हैं तो 360 वगैरह कुछ नहीं रहने वाला, और यहाँ पे वॉइजर वगैरह इंस्टॉल कराए, रूफ रेल वगैरह कुछ नहीं कराए ठीक है, और इधर आते हैं तो नीचे डोर बीडिंग वगैरह रहने वाली है। बाकी बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे सिर्फ जो आपको कैमरा मिलने वाला है प्लस पीछे बोल गार्ड ठीक है। तो इस तरह कुछ जो है हो गई है गाड़ी रेडी, बाकी गाड़ी चमका रहे हमारे भाई साहब ठीक है, थोड़ा साइड हो जाना यार। आते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का जो इसमें इंटीरियर मिलने वाला है, एक बार इसको ऑन करते हैं क्योंकि इसमें ना जो है लगा दी हुआ देख सकते हो, इंटीरियर वगैरह कुछ इस टाइप का रहने वाला है, ब्लैक और आईसी ग्रे का ठीक है जी। लुकिंग वगैरह आप चेक कर लो, सीट्स वगैरह देख लो बढ़िया, काफ़ी अच्छा लगता है आईसी ग्रे, क्योंकि हमारा इंटीरियर है ना आईसी ग्रे और ब्लैक ही होता है विटारा का ना इस साइड से, बाकी ये वाला जो पार्ट होता है ब्राउन वाला वो भैया ने हटवा के ये भी आईसी ग्रे करवा लिया ठीक है, तो जिस वजह से गाड़ी एक प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन में लग रही है। और इसके अलावा ये आप लुकिंग इधर देख सकते हो, डोर रैपिंग वगैरह हुई है प्रॉपर डुअल टोन में ब्लैक और आईसी ग्रे में ठीक है जी। एम ए लाइटिंग K4 डाल दी गई है ये आप देख सकते हो, और उसके अलावा स्टेयरिंग वगैरह में कॉलिंग बटन भैया ने लगवा लिया यहाँ पे ठीक है जी। इसके अलावा ये देख सकते हो ग्लॉसी यहाँ करा दिया गया है, और यहाँ पे ये वाला भी आउट ऑफ स्टॉक है, विद इन फ्यू डेज आ जाएगा। ये चार्जर आप देख सकते हो, ये चार्जर रहने वाला है, इसके अलावा 10 इंच स्क्रीन रहने वाली है। कैमरा की बात करें तो इसमें भैया ने 360 नहीं लगवाया, रियर कैमरा लगवाया है, ये देख सकते हो कैमरा क्वालिटी ठीक है, 10 बजे के आसपास का टाइम है। और बाकी इस तरह कुछ काम हुआ है गाड़ी में, बाकी डैम्पिंग वगैरह उस समय मैंने आपको दिखाई दी थी, तो इस तरह का कुछ जो है काम हुआ है गाड़ी में, बाकी आप जो है यहाँ पे भी कर दिया गया रैपिंग ठीक है आईसी ग्रे कलर का, तो आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा काम ये